बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सर आज की इस वीडियो में हमने डिडक्टेबल अलाउंसेस का कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है। डिडक्टेबल अलाउंस क्या होता है, ये हम ऑलरेडी पास में डिस्कस कर चुके हैं कि जब आप अपनी टैक्सेबल इनकम वगैरह कैलकुलेट करते हो तो हम 5 ईयर्स ऑफ इनकम कैलकुलेट करते हैं। 5 ईयर्स ऑफ इनकम में हम एग्जेम्ड इनकम ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल इनकम बनती है। टोटल इनकम से हम तीन चीजें माइनस करते हैं, नंबर 1 एग्जेम्ड इनकम, नंबर 2 डिडक्शन अंडर पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल एंड नंबर 3 डिडक्टेबल अलाउंस। ये भी मैंने डिस्कस किया था कि हमारे पास टैक्स लॉ में इन टोटल 4 तरह के डिडक्टेबल अलाउंसेस प्रोवाइडेड हैं और इन 4 तरह के डिडक्टेबल अलाउंसेस को हम आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले हमारे पास डिडक्टेबल अलाउंसेस के हवाले से एक जनरल कुछ बातें लिखी हैं। डिडक्टेबल अलाउंस इज एन अमाउंट दैट इज रिड्यूस फ्रॉम द टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर टू अराइव एट टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर। डिडक्टेबल अलाउंस वो चीज है जो कि आपकी टोटल इनकम से माइनस की जाती है इन ऑर्डर टू अराइव एट टैक्सेबल इनकम। डिडक्टेबल अलाउंस कैन नॉट रिड्यूस टोटल इनकम बिलो जीरो विच मीन्स लॉस कैन नॉट अराइज ड्यू टू डिडक्टेबल अलाउंस। मैंने आपसे ये भी डिस्कस किया था कि इनकम टैक्स लॉ में लॉस आने का सिर्फ एक ही रीजन होगा, जब हमारे पास किसी हेड ऑफ इनकम में अलाउबल डिडक्शन किसी हेड की अमाउंट चार्जेबल से इंक्रीज कर जाए। अगर हमारे पास हेड ऑफ इनकम में एक्सपेंसिस का नंबर इनकम से एक्सीड करेगा तो हमारे पास लॉस आ रहा होगा, और किसी वजह से इनकम टैक्स लॉ में लॉस नहीं आ सकता। यानी कि अगर आपके पास लेट से कि टोटल इनकम 100 है और आपके पास डिडक्टेबल अलाउंस का नंबर 120 है तो आपकी टैक्सेबल इनकम मैक्सिमम जीरो होगी, आपकी टैक्सेबल इनकम नेगेटिव नहीं होगी, आपकी टैक्सेबल लॉस क्रिएट नहीं होगा। तो डिडक्टेबल अलाउंस कैन नॉट रिड्यूस टोटल इनकम बिलो जीरो विच मीन लॉस कैन नॉट अराइज ड्यू टू डिडक्टेबल अलाउंस। डिडक्टेबल अलाउंस इन एक्सेस ऑफ टोटल इनकम इज नॉट अलाउड टू बी रिफंडेड कैरिड फॉरवर्ड टू सब्सिक्वेंट ईयर और कैरिड बैक टू प्रीसीडिंग ईयर। अगर किसी साल हमारे पास डिडक्टेबल अलाउंस का नंबर टोटल इनकम से ज्यादा है तो जो भी एक्सेस डिडक्टेबल अलाउंस है वो एक तरीके से आपका जाया हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, ना आपको गवर्नमेंट से इसका कोई रिफंड मिलेगा, ना आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ना आप इसे कैरी बैकवर्ड कर सकते हो। टोटल इनकम को मैक्सिमम ये जीरो कर सकता है, नेगेटिव नहीं कर सकता। एक्सेस डिडक्टेबल अलाउंस आपका लैप्स है, ना उसका रिफंड मिलेगा, ना वो कैरी फॉरवर्ड, ना वो कैरी बैकवर्ड किया जाएगा। तो हमारे पास टोटल 4 तरह के डिडक्टेबल अलाउंसेस आज की तारीख में लॉ में मौजूद है। नंबर वन इज जकात अंडर सेक्शन 60। सिंपल सा सेक्शन है, कहता है पर्सन शेल बी इंटाइटल टू अ डिडक्टेबल अलाउंस, अ पर्सन शेल बी इंटाइटल टू अ डिडक्टेबल अलाउंस फॉर द अमाउंट ऑफ एनी जकात पेड बाय द पर्सन इन द ईयर अंडर द जकात एंड उशर ऑर्डिनेंस 1980। अगर एक पर्सन जकात एंड उशर ऑर्डिनेंस 1980 के तहत, अगर एक पर्सन जकात एंड उशर ऑर्डिनेंस 1980 के तहत कोई जकात पे करता है तो इस जकात को हम अपने टोटल इनकम से एज अ डिडक्टेबल अलाउंस माइनस कर सकते हैं। सर जकात अंडर द जकात एंड उशर ऑर्डिनेंस 1980 क्या चीज है? देखिए, जो जकात हम वॉलेंटरली अपने जान पहचान के लोगों को या अपने रिलेटिव को या अपने आप आसपास में जो भी मुस्तहिक लोग हैं उनको देते हैं, ये जो जकात है ये हम वॉलेंटरली पे करते हैं, ये जकात जकात एंड उशर ऑर्डिनेंस के तहत नहीं है। वो जकात जो आपकी डिविडेंड की पेमेंट पे डिडक्ट होती है, जो आपकी प्रॉफिट ऑन डेट की पेमेंट पे डिडक्ट होती है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है और कंपनी उस डिविडेंड की अमाउंट से जकात का अमाउंट डिडक्ट कर रही है, एक बैंक में आपने सेविंग अकाउंट या टीडीए कार्ड अकाउंट खुलवाया और बैंक आपको इंटरेस्ट देते वक्त जकात का अमाउंट डिडक्ट कर रहा है, तो वो जो जकात इंटरेस्ट की पेमेंट पे या डिविडेंड की पेमेंट पे डिडक्ट होती है, दिस इज कॉल्ड जकात अंडर द जकात एंड उशर ऑर्डिनेंस। अगर आपने कोई ड्यूरिंग द टैक्स ईयर जकात पे की है अंडर द जकात एंड उशर ऑर्डिनेंस तो इस जकात को हम टोटल इनकम से एज अ डिडक्टेबल अलाउंस माइनस कर सकते हैं। यहाँ पे जकात के हवाले से एक एक्सप्लेनेशन पैरा में एक बात लिखी है, लेकिन इस बात को हम अभी रीड नहीं कर रहे क्योंकि ये बात इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड के साथ लिंक्ड है। जब हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का एरिया कवर करेंगे तो इस बॉक्स में क्या बात लिखी है उसको भी बाद में डिस्कस कर लेंगे। इस सेशन में हमने सिंपली क्या डिस्कस किया कि अगर आपने कोई जकात पे की अंडर द जकात एंड उशर ऑर्डिनेंस 1980 तो इस जकात को आप एज अ डिडक्टेबल अलाउंस टोटल इनकम से माइनस कर सकते हो। इसके बाद सेकेंड और थर्ड डिडक्टेबल अलाउंस है हमारे पास वर्कर वेलफेयर फंड एंड वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड। देखें, हमारी कंट्री में इन टोटालिटी कोई 46 to 47 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस और फीस वगैरह लगते हैं। इनकम टैक्स लॉ, सेल्स टैक्स लॉ, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये तो वेल नोन है जो हम सब जानते ही हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में टोटल टैक्सेस को या टोटल ड्यूटीज और टोटल फीस वगैरह को काउंट करें ना तो गवर्नमेंट की तरफ से टोटल कोई 46-47 टाइप के टैक्सेस लगते हैं। इसी तरह से 2 टैक्सेस या 2 लेवीज लगती हैं वर्कर वेलफेयर फंड या वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड के नाम से। जितनी भी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज और इस तरह की इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट होती है उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है अंडर द WWF लॉ एंड द WPPF लॉ कि उन्हें इन रेलिवेंट लॉस के हिसाब से अपने प्रॉफिट का सर्टेन परसेंटेज
वर्कर वेलफेयर फंड या वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड के नाम से पे करना पड़ता है। तो इस डिडक्टेबल अलाउंसेस में ये कहा गया है कि अगर आपने कोई वर्कर वेलफेयर फंड में कंट्रीब्यूशन की, अगर आपने कोई वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड में कंट्रीब्यूशन की अंडर द रेलिवेंट लॉ, तो इस WWF या WPPF की कंट्रीब्यूशन का आपको डिडक्टेबल अलाउंस अलाउ हो रहा होगा। कहता है अ पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू अ डिडक्टेबल अलाउंस फॉर द अमाउंट ऑफ वर्कर वेलफेयर फंड पेड बाय द पर्सन इन द ईयर अंडर वर्कर वेलफेयर फंड ऑर्डिनेंस 1971 और एनी लॉ रिलेटिंग टू दी वर्कर वेलफेयर फंड इज इनेक्टेड बाय दी प्रोविंसेस आफ्टर दी 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2010। इसी तरीके से पर्सन शैल बी इंटाइटल टू अ डिडक्टेबल अलाउंस फॉर द अमाउंट ऑफ वर्कर पार्टिसिपेशन फंड पेड बाय द पर्सन इन द टैक्स ईयर अंडर द कंपनीज प्रॉफिट वर्कर पार्टिसिपेशन एक्ट 1968 और एनी लॉ रिलेटिंग टू दी वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड इनेक्टेड बाय दी प्रोविंसेस आफ्टर दी 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2010। देखिए जो हमारा आईन है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, 18 अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से पहले जो वर्कर वेलफेयर फंड और वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड की लेवी है, ये फेडरल गवर्नमेंट का डोमेन थी, ये फेडरल लेवीज थी, ये फेडरल गवर्नमेंट को पे की जाती थी। तो 18 अमेंडमेंट से पहले जो वर्कर वेलफेयर फंड या वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड को अमाउंट पे की जाती थी, ये फेडरल लॉ वर्कर वेलफेयर फंड ऑर्डिनेंस 1971 और कंपनीज प्रॉफिट वर्कर पार्टिसिपेशन एक्ट 1968 के तहत फेडरल गवर्नमेंट को पे की जाती थी। तो 18 अमेंडमेंट से पहले अगर आपने फेडरल गवर्नमेंट को WWF और WPPF का अमाउंट पे किया है, तो सर इस अमाउंट को हम एज अ डिडक्टेबल अलाउंस क्लेम कर सकते हैं। 18 अमेंडमेंट के बाद, 18 अमेंडमेंट के बाद सूबों को इख्तियार दिया गया कि WWF और WPPF की जो लेवी है वो फेडरल गवर्नमेंट इंपोज नहीं करेगी बल्कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट इंपोज करेगी। यानी कि अगर आप सिंध में हो तो सिंध में WWF WPPF लगेगा, पंजाब में हो तो पंजाब की गवर्नमेंट WWF WPPF लगेगी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2000 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट इज 18 अमेंडमेंट के बाद अब WWF और WPPF की जो लेवीज है वो एक प्रोविंशियल डोमेन बन गई है, प्रोविंशियल लेवीज बन गई है। तो अगर आपने 18 अमेंडमेंट के बाद WWF या WPPF की लेवी प्रोविंशियल लॉ के तहत प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पे किया, अगर आप सिंध में हो तो सिंध में पे किया होगा, पंजाब में तो पंजाब गवर्नमेंट को पे किया होगा, तो इस केस में भी आपको इस चीज का अमाउंट का डिडक्टेबल अलाउंस अलाउ हो जाएगा। फिर इसके बाद लिखा है हाउ एवर दिस सेक्शन शेल नॉट अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अमाउंट ऑफ वर्कर वेलफेयर फंड पे टू द प्रोविंसेस बाय अ ट्रांस प्रोविजनल एस्टैब्लिशमेंट। हाउ एवर दिस सेक्शन शेल नॉट अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड पे टू द प्रोविंसेस बाय अ ट्रांस प्रोविजनल एस्टैब्लिशमेंट। अब इस एक्सेप्शन में क्या लिखा है, देखें 18 अमेंडमेंट से पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में 18 अमेंडमेंट से पहले जो WWF और WPPF की लेवी है ये फेडरल गवर्नमेंट को पे की जाती थी अंडर द फेडरल टैक्स, अंडर द फेडरल लॉ इसके डिडक्टेबल अलाउंस मिल जाता था। कॉन्स्टिट्यूशन में 18 अमेंडमेंट के बाद अब ये प्रोविंशियल डोमेन में आ चुकी है, ये प्रोविंशियल लेवी बन चुकी है, अगर आपने प्रोविंशियल लॉ के तहत प्रोविंसेस को पे किया तो इसका भी डिडक्टेबल अलाउंस आपको मिल जाएगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि एक कंपनी है या एक बिजनेस है जिसकी पाकिस्तान के मल्टीपल प्रोविंसेस में फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज हैं। भाई ऐसा हो सकता है ना कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरी एक फैक्ट्री कराची में, एक फैक्ट्री हैदराबाद में, एक फैक्ट्री पंजाब के किसी शहर में, या एक फैक्ट्री बलूचिस्तान के किसी शहर में, या एक फैक्ट्री केपीके के किसी शहर में। अगर एक इंडस्ट्री, अगर एक फैक्ट्री, अगर एक एस्टैब्लिशमेंट ऐसी है जो एक से ज्यादा प्रोविंसेस में ऑपरेट कर रही है, इसको कहा जाता है ट्रांस प्रोविजनल एस्टैब्लिशमेंट, इसको कहा जाता है ट्रांस प्रोविजनल एस्टैब्लिशमेंट। अब प्रैक्टिकली ना यहाँ पे थोड़ा सा डिस्प्यूट अराइज होता है। फॉर एग्जाम्पल कि भाई मेरे पास दो फैक्ट्रीज है, एक सिंध में एक पंजाब में, तो सिंध वाले भी मुझसे WWF मांग रहे हैं, पंजाब वाले भी मुझसे WWF मांग रहे हैं, तो यहाँ पे मैं ट्रांस प्रोविजनल एस्टैब्लिशमेंट बन गया क्योंकि मैं एक से ज्यादा प्रोविंस में ऑपरेट कर रहा हूँ। और प्रैक्टिकली सिंध गवर्नमेंट वाले भी मेरे पीछे लगे हुए, पंजाब गवर्नमेंट वाले भी मेरे पीछे लगे हुए। तो इस केस में जो हायर कोर्ट्स ने सेटल किया है वो ये किया है कि अगर कोई ऐसी एस्टैब्लिशमेंट है जो एक से ज्यादा प्रोविंसेस में ऑपरेट कर रही है, फिर वो अपने WWF और WPPF का अमाउंट फेडरल गवर्नमेंट को ही पे कर दे। लेकिन एक प्रैक्टिकल इशू है, एग्जाम में आपसे इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा कि अगर कोई ऐसी ट्रांस प्रोविजनल एस्टैब्लिशमेंट है जो एक से ज्यादा सूबे में ऑपरेट कर रही है, तो वो WWF और WPPF का अमाउंट प्रोविंसेस को पे ना करे बल्कि फेडरल गवर्नमेंट को पे कर दे। तो यहाँ पे ये कहा गया कि अगर कोई ट्रांस प्रोविजनल एस्टैब्लिशमेंट है यानी कि एक से ज्यादा सूबे में ऑपरेट कर रही है और उसने अगर WWF और WPPF का अमाउंट प्रोविंसेस को पे कर दिया, तो अब इन्हें डिडक्टेबल अलाउंस अलाउ नहीं होगा क्योंकि इन्हें जो WWF और WPPF पे करना है वो फेडरल को ही पे करना। फिर इसके साथ साथ वर्कर वेलफेयर फंड और वर्कर पार्टिसिपेशन फंड के हवाले से FBR का भी एक सर्कुलर भी है। सर्कुलर में और जो है क्लैरिफिकेशन नेचर की बात की जाती है। इस सर्कुलर में क्या क्लैरिफिकेशन नेचर की बात की गई है,
देखिए, अगर आप WWF और WPPF का सेक्शन देखें ना, तो लिखा है अ पर्सन शेल बी इंटाइटल्ड टू अ डिडक्टेबल अलाउंस फॉर द अमाउंट ऑफ वर्कर वेलफेयर फंड पेड। इसी तरह WPPF में लिखा है अ पर्सन शेल बी इंटाइटल्ड टू अ डिडक्टेबल अलाउंस फॉर द अमाउंट ऑफ वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड पेड। यानी कि बियर रीडिंग से ये लग रहा है कि आप जब WWF और WPPF का अमाउंट पे करोगे तब आप उसका डिडक्टेबल अलाउंस क्लेम कर सकोगे। लेकिन FBR ने इस पे क्लैरिफिकेटरी सर्कुलर इशू किया और FBR ने इस क्लैरिफिकेटरी सर्कुलर में ये कहा है कि अगर एक पर्सन का बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी एक्रूअल बेसिस है। हम आगे जाके हेड्स ऑफ इनकम में कवर करेंगे कि हमारी इनकम या तो कैश बेसिस पे टैक्स होगी या एक्रूअल बेसिस पे टैक्स होगी। अगर एक पर्सन की बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी, बेसिस ऑफ टैक्सेबिलिटी एक्रूअल बेसिस पे है तो फिर WWF और WPPF का अमाउंट एक्रूअल बेसिस पे भी आपको डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पर अलाउ हो जाएगा। तो ये क्लैरिफिकेटरी नेचर का सर्कुलर है। कहता है इट इज क्लैरिफाइड दैट अलाउबिलिटी ऑफ WWF एज डिडक्टेबल अलाउंस वुड डिपेंड ऑन द मेथड ऑफ अकाउंटिंग दैट इज कैश और एक्रूअल बेसिस बीइंग एम्प्लॉयड बाय द टैक्सपेयर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स लॉ। हम डिफरेंट हेड्स में कवर करेंगे कि कोई इनकम हमारी कैश बेसिस पे टैक्स हो रही होगी, कोई इनकम हमारी एक्रूअल बेसिस पे टैक्स हो रही होगी, कुछ जगह पे हमारी मर्जी है कि कैश बेसिस एक्रूअल बेसिस। तो जहां पे इनकम हमारी कैश बेसिस पे अकाउंट फॉर हो रही है, मेथड ऑफ अकाउंटिंग हमारा कैश बेसिस है, वहां WWF पेड, WPPF पेड का डिडक्टेबल अलाउंस क्लेम करेंगे। जहां हम एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं अपनी टैक्स की वर्किंग के लिए, वहां पे हम एक्सपेंस या एक्रूअल की बेसिस पे WWF और WPPF का डिडक्टेबल अलाउंस क्लेम कर रहे होंगे। अब हो सकता है कि आपके जहन में आए कि यहां तो सिर्फ WWF की बात की गई है, WPPF की बात ही नहीं की गई सर्कुलर में। तो ये क्लैरिफिकेटरी नेचर का सर्कुलर है। जब इसने WWF को क्लैरिफाई कर दिया तो इसका मतलब है कि WPPF पे भी यही रूल अप्लाई किया जाएगा। अच्छा, एग्जाम में ज़कात का अमाउंट, WWF का अमाउंट और WPPF का अमाउंट आपसे कैलकुलेट नहीं करवाएगा, आपको डायरेक्टली बता देगा कि हमने इतनी ज़कात पे की अंडर द ज़कात इनिशियल ऑर्डिनेंस, हमने इतना वर्कर वेलफेयर फंड पे किया, हमने इतना वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड पे किया है। तो जो भी अमाउंट आपने ज़कात, WWF, WPPF का पे किया होगा आप उसे एज अ डिडक्टेबल अलाउंस क्लेम कर लोगे। इसके बाद हमारे पास चौथा डिडक्टेबल अलाउंस है एजुकेशन एक्सपेंस के नाम से। सेक्शन 60C। इसकी कुछ मोडालिटीज वगैरह है, इसको हम रीड करते हैं और साथ साथ एक्सप्लेन करते हैं। कहता है एवरी इंडिविजुअल, तो पहले तो एक बात पता चली कि ये वाला डिडक्टेबल अलाउंस सिर्फ इंडिविजुअल के लिए है, AOP और कंपनी के लिए नहीं है। एवरी इंडिविजुअल शेल बी इंटाइटल टू अ डिडक्टेबल अलाउंस इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्यूशन फी पेड बाय द इंडिविजुअल इन द ईयर प्रोवाइडेड दैट टैक्सेबल इनकम ऑफ द इंडिविजुअल इज लेस देन 1.5 मिलियन रुपीज। अगर एक इंडिविजुअल जिसकी टैक्सेबल इनकम 1.5 मिलियन 15 लाख रुपए से कम है, तो इस इंडिविजुअल को एजुकेशन एक्सपेंस ट्यूशन फी के अगेंस्ट एक डिडक्टेबल अलाउंस अलाउ होगा। अगर एक इंडिविजुअल जिसकी टैक्सेबल इनकम 15 लाख रुपए से कम है, 1.5 मिलियन से कम है, तो इसे एक डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा एजुकेशन एक्सपेंस ट्यूशन फी के नाम पे। कितना अमाउंट मिलेगा? डिडक्टेबल अलाउंस फॉर द एजुकेशन एक्सपेंस फॉर अ टैक्स ईयर शैल नॉट एक्सीड द लेसर ऑफ, जो आपका डिडक्टेबल अलाउंस है इस सेक्शन 60C के तहत, वो तीन चीजों का लोअर अमाउंट होगा। नंबर वन, 5% ऑफ द ट्यूशन फी पेड बाय द इंडिविजुअल इन द ईयर, 25% ऑफ द पर्सन टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर एंड अमाउंट कंप्यूटेड बाय मल्टीप्लाइंग 60,000 विद द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द इंडिविजुअल। एजुकेशन एक्सपेंस का जो आप डिडक्टेबल अलाउंस क्लेम करोगे वो तीन चीजों का लोअर अमाउंट होगा। नंबर वन, 5% ऑफ द ट्यूशन फी पेड, जितनी भी आपने ट्यूशन फी पे की उसका 5%। नंबर टू, 25% ऑफ द टैक्सेबल इनकम, जो भी आपकी टैक्सेबल इनकम है उसका 25%। एंड नंबर थ्री, नंबर ऑफ चाइल्ड मल्टीप्लाई बाय 60,000, आपके जितने भी चाइल्ड है मल्टीप्लाई बाय 60,000। इन तीनों अमाउंट में से जो लोअर अमाउंट होगा, जो कम अमाउंट होगा, उस अमाउंट का आप डिडक्टेबल अलाउंस क्लेम कर रहे होंगे। एक चीज यहाँ पे ध्यान में ये रखनी है कि हम टोटल इनकम से एग्जाम्ड इनकम, डिडक्शन एट अ पार्ट वन ऑफ सेकंड शेड्यूल और डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करते हैं तो हमारे पास टैक्सेबल इनकम आती है। यानी कि डिडक्टेबल अलाउंसेस को माइनस करने के बाद टैक्सेबल इनकम आती है। और यहाँ पे जो इंडिविजुअल की टैक्सेबल इनकम की लिमिट है 1.5 मिलियन, ये टैक्सेबल इनकम की लिमिट है। इसी तरीके से डिडक्टेबल अलाउंस में जो लोअर कैलकुलेट करना है उसमें से सेकंड लिमिट 25% ऑफ द टैक्सेबल इनकम है। तो यहाँ पे हमें कुछ ग्रॉसिंग अप की वर्किंग करना पड़ेगी। ग्रॉसिंग अप की वर्किंग किस तरह से होगी वो हम इंशाल्लाह न्यूमेरिकल वाले सवालों में देख लेंगे। तो यहाँ पे डिडक्टेबल अलाउंस को माइनस करने के बाद जो नंबर आ रहा है, जिसे हम टैक्सेबल इनकम कह रहे हैं, उस टैक्सेबल इनकम को देखना है कि वो 1.5 मिलियन से कम है
उस टैक्सेबल इनकम को देखना है कि हमारा डिडक्टेबल अलाउंस का नंबर 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम से एक्सीड तो नहीं कर गया। फिर आगे कहता है डिडक्टेबल अलाउंस फॉर एजुकेशनल एक्सपेंस शैल बी अलाउड अगेंस्ट द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ आइदर ऑफ द पेरेंट्स मेकिंग पेमेंट ऑफ द फी ऑन फर्निशिंग द नेशनल टैक्स नंबर और नेम ऑफ द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। कि ये जो एजुकेशन एक्सपेंस का डिडक्टेबल अलाउंस है ये आइदर ऑफ द पेरेंट को अलाउ होगा, यानी कि या तो माँ को अलाउ होगा या बाप को अलाउ होगा, या तो माँ को अलाउ होगा या बाप को अलाउ होगा। और कंडीशन क्या है कि हमें एनटीएन और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का नेम बताना होगा, जिस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को हमने एजुकेशन फी या ट्यूशन फी पे की है उसका नाम और एनटीएन बताना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट में कहता है कि डिडक्टेबल अलाउंस फॉर एजुकेशन एक्सपेंस शैल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 149 दैट इज पेमेंट ऑफ सैलरी। सर सेक्शन 149 क्या चीज है? सेक्शन 149 सैलरी के चैप्टर में आप कवर करेंगे कि जब एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करता है, जब एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करता है तो अपने एम्प्लॉय की लाइबिलिटी एस्टिमेट करता है, अपने एम्प्लॉय की टैक्स लाइबिलिटी एस्टिमेट करता है, और जितना भी टैक्स उसका एस्टिमेटेड बेसिस पे बनता है हर महीने सैलरी से कुछ ना कुछ अमाउंट टैक्स का डिडक्ट करके एफबीआर को जमा करा देता है। लास्ट पॉइंट में ये कह रहा है कि जब एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय की टैक्स लाइबिलिटी एस्टिमेट करेगा तो अपने एम्प्लॉय की टैक्स लाइबिलिटी एस्टिमेट करते वक्त इस डिडक्टेबल अलाउंस को कंसिडर नहीं करेगा, इस डिडक्टेबल अलाउंस को कंसिडर नहीं करेगा, यानी कि इस डिडक्टेबल अलाउंस को इग्नोर करके एम्प्लॉय का सैलरी पे टैक्स विथहोल्ड किया जाएगा। अगर एम्प्लॉय इस डिडक्टेबल अलाउंस के लिए एलिजिबल है तो एम्प्लॉय इस डिडक्टेबल अलाउंस को अपने रिटर्न ऑफ इनकम में एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न क्लेम करेगा, एम्प्लॉयर टैक्स डिडक्शन करते वक्त इस डिडक्टेबल अलाउंस को कंसिडर नहीं कर रहा होगा। तो ये हमारे पास आसान से चार डिडक्टेबल अलाउंस थे। ज़कात WWF WPPF में तो आपको SS कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, आपको नंबर सवाल में गिवन होगा। एजुकेशन एक्सपेंस के केस में हमें कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है, हमें ये देखना है कि इंडिविजुअल की टैक्सेबल इनकम 1.5 मिलियन से कम हो, हमें ये देखना है कि डिडक्टेबल अलाउंस जो हम क्लेम करेंगे वो तीन चीजों का लोअर हो, 5% ऑफ द ट्यूशन फी पेड, 25% ऑफ द टैक्सेबल इनकम एंड नंबर ऑफ चाइल्ड मल्टीप्लाई बाय 60,000। तो आई होप कि ये डिडक्टेबल अलाउंस का कॉन्सेप्ट मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूँ। आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, थैंक यू।